नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट 17 वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं आज जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है असेंडिंग चैनल पैटर्न। तो असेंडिंग चैनल पैटर्न क्या होता है? असेंडिंग चैनल पैटर्न एक जो है, जैसा कि सामने आपके स्क्रीन की पिक्चर जो दिख रही होगी, तो ये असेंडिंग जो चैनल पैटर्न जो है, असेंडिंग चैनल पैटर्न में आप देखेंगे तो यहां पर दो पैरेलल लाइंस होती हैं। एक जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होती है, इस लाइन पर जो है हायर लो टच करते हैं, और जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इस पर जो है हायर हाई टच करते हैं। तो आप जैसा यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है कंटिन्यू का हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में चलती है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा दैट दिट इज नॉट ए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, दिस इज ए कंटिन्यूशन पैटर्न। ये जो है एक अप ट्रेंड में, सॉरी ये डाउन ट्रेंड में बनता है, और डाउन ट्रेंड में अगर हम एक लॉन्ग ट्रेंड पकड़ कर देखें तो हमको वहां पर एक डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। डाउन ट्रेंड में ये जो रैली होती है ये एक पुल बैक रैली होती है। अगर हम इसको एक छोटे से ट्रेंड में देखें तो हमको यहां पर ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा। बिकॉज यहां पर जो है इस चैनल में ट्रेड करने के बाद यहां पर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, और जो ऊपर की तरफ ट्रेंड चल रहा होता है वो ट्रेंड चेंज हो जाता है, और अब जो है अपने जो है प्रीवियस ट्रेंड में ये वापस आ जाता है। बिकॉज ये जो है लॉन्ग ट्रेंड जो इसका होता है वो डाउन ट्रेंड होता है। जो असेंडिंग चैनल पैटर्न जो जो फॉर्म होते हैं वो जो है हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होते हैं। जो डिसेंडिंग चैनल जो पैटर्न जो फॉर्म होते हैं वो हमेशा अप ट्रेंड में फॉर्म होते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो लेकर आने वाला हूं जो डिसेंडिंग चैनल के बारे में, उसको उसके बारे में भी हम यहां पर सीखेंगे समझेंगे। तो चलिए आइए हम जो है वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है मतलब बिल्कुल सेम इस तरह से दिखता है, दो बिल्कुल सेम पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो है स्टॉक ट्रेड करता है, कभी ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर के ट्रेंड लाइन को टच करेगा, कभी ये हायर लो बनाते हुए नीचे के ट्रेंड लाइन को टच करता है, और इसी तरह ये कंटिन्यूज ये जो है इस चैनल के अंदर ही ट्रेड करता रहता है। फाइनली जब चैनल का ब्रेकआउट होता है तो वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद जो है अपने प्रीवियस ट्रेंड में आ जाता है। बट इसमें देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नीचे की तरफ ही इसका जो है ब्रेकआउट हो, कई बार यहां से अब ट्रेंड चेंज होने की शुरुआत भी हो जाती है और ये ऊपर की तरफ भी जो है ब्रेकआउट दे देता है। तो चलिए हम इस अब जो है मैं आपको इसको पूरी प्रैक्टिकली करके बताता हूं कि ये किस तरह से चैनल बनते हैं और ये हाउस टाइप ऑफ दिस चैनल, ये चैनल कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह से आपको मार्केट में दिखाई देते हैं, कैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसके थंब रूल वगैरह क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए यहां पर मैं आपको पहले इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं कि आपको अगर ये मार्केट में मिलता है तो आप इसको किस तरह से इसको जज करेंगे। तो देखिए यहां पर जो एक चैनल बनता है, सबसे पहले एक यहां पर डाउन ट्रेंड आपको यहां पर होता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू जो है मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जो है ऊपर की तरफ मार्केट इस तरह से निकलती है, एक समझ ली एक पुल बैक होता है, और यहां से मार्केट एक चैनल बनाते हुए ऊपर की तरफ चलेगी। ध्यान रहे ये जो चैनल होना चाहिए बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ये बिल्कुल ऊपर नीचे, देखिए बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस हो सकता है बट मतलब ज्यादातर देखने में चैनल जो है बिल्कुल सेम होने चाहिए, पैरेलल जिसको हम कह सकते हैं, पैरेलल लाइन में ये चलने चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या होता है, प्राइस यहां पर इस तरह से नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर प्राइस यहां सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहां पर फिर ऊपर की तरफ जाता है, हायर हाई बनाता है, हायर हाई बनाने के बाद प्राइस यहां पर फिर नीचे की तरफ और ये हायर लो, फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है और ये हायर हाई यहां पर बनाया, प्राइस फिर यहां पर नीचे की तरफ आता है हायर लो अगेन, फिर ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस। तो ये जब हमको देखिए दो हायर हाई मिल जाते हैं और दो हायर लो मिल जाते हैं तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। इस तरह से देखिए प्राइस ये ट्रेड करेगा इस चैनल के अंदर, तो इसको हम जो है असेंडिंग चैनल कहते हैं और ये हमेशा जो है डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो यहां पर इस तरह से कंटिन्यू हायर हाई और हायर लो बनाने के बाद ये नीचे की तरफ फिर जो है अपने ट्रेंड में वापस आता है। तो यहां पर देखिए अगर मैं अभी फिलहाल के लिए मैं इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहां पर डिलीट कर दूं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा
सॉरी, पहले मैं यहां पर इसको डिलीट करके आपको बताता हूं। ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं और इसको भी कर देता हूं। अब देखिए, आपको अगर मार्केट में इस तरह की पोजीशन कोई दिख रही है तो आपने क्या करना है, दो हायर लो को पकड़ते हुए आपने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। ऊपर भी आपको जब दो हायर हाई मिलता है तो आपने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अभी आप जो है अपने इस ट्रेंड लाइन को जो आपने ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप इसको कंटिन्यू इस तरह से एक्सटेंड करते हुए आगे की तरफ ले जाइए। और सेकेंडली, जो हमने हायर हाई की तरफ जो हमने ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करके रखा है, इसको भी आप इस तरह से ऊपर की तरफ जब ड्रॉ करेंगे तो आपको यहां पर एक चैनल दिखाई देगा। ये चैनल देखिए ऊपर से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब यहां पर प्राइस कुछ टाइम के लिए पुल बैक हो रहा है। प्राइस में जो पुल बैक आता है, जिसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, जो थोड़ी देर के लिए मार्केट पॉज होता है या फिर नीचे की तरफ आने के बाद थोड़ी सी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहां मान लीजिए मार्केट कंटिन्यू, जिन्होंने सेल करके रखा हुआ है, मार्केट को वो नीचे लेकर आए, मार्केट नीचे लेकर आने के बाद यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फाइनली जब यहां पर ट्रेड का ब्रेकआउट होता है तो यहां पर जो है हमारी यहां पर एंट्री होती है और यहां पर स्टॉप लॉस आपका है, जो है ये स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा। ये जो अपर चैनल जो है, अपर की जो ऊपर की जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, जी ये जो हायर हाई पे कंटिन्यू हम जो है इसको एक्सटेंड कर रहे थे, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है ऊपर की तरफ। मैं आपको इस तरह से बता देता हूं कि यहां पर आपका स्टॉप लॉस है। सेकंड, अगर आप छोटा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस अपना यहां पर, अगर कोई स्विंग हाई बन रहा है तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट देखिए आपका क्या होगा, जहां से आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करी है, ये आप नीचे की तरफ देखिए, यहां से आपने ये ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करनी ऊपर से स्टार्ट करी थी, तो यही आपका टारगेट होगा। जहां से हमने फर्स्ट ट्रेंड लाइन हमने पकड़ी थी तो ये हमारा टारगेट होने वाला है। यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है और ये जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंट्री यहां पर होने वाली है, मान लीजिए यहां पर कोई कैंडल ब्रेक करती है, इस तरह से किसी कैंडल ने ब्रेक किया और यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने यहां पर वेट करना है कैंडल क्लोजिंग का। एक रेड कैंडल ने जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मान लीजिए यहां पर आप अगर स्क्रीन पर प्राइस देख रहे होंगे तो वहां पर 90.55 रुपए ऊपर है और नीचे मान लीजिए इसका लो लगा 90.30 रुपए। अब इसके लो के नीचे जब प्राइस निकलता है तो वहां पर आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस आपको वैसे यहां पर रखना चाहिए, बट अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, अगर वो कैंडल का साइज बड़ा है तब उस कैंडल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, या फिर इसके बीच में अगर कोई स्विंग हाई बना हुआ है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस जो है वहां पर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस ये हो गया, आपकी एंट्री ये होगी और टारगेट आपका ये हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। बट हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं उनका ये वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न होता है, ये पैटर्न जो है देखिए, बिकॉज यहां पर रिस्क बहुत थोड़ा सा रहने वाला होता है और यहां पर रिवार्ड जो है काफी अच्छा होता है। सो ज्यादातर लोग इसको ट्रेडिंग करते हैं अपने जो है वॉच लिस्ट में, इस तरह के स्टॉक को जो है ऐड करके रखते हैं। मैं आपको देखिए यहां पर कुछ और पैटर्न के बारे में बता देता हूं, जो इस तरह के पैटर्न आपको दिखाई देंगे मार्केट में बट आप उसको कंसीडर, उसको जो है जज नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको वो पैटर्न भी बता देता हूं कि वो पैटर्न किस तरह से आप देख सकते हैं मार्केट में, कैसे जज कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरा पैटर्न जो बनेगा मार्केट में वो इस तरह से बन सकता है, इस तरह से यहां पर एक चैनल ये बना और नीचे जो होगा वो इस तरह से बनेगा। ये देखिए, अगर आप यहां पर समझ पा रहे होंगे तो दूसरा जो है पैटर्न वो इस तरह से बना। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर कंटिन्यू ऊपर से डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, यहां पर डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए यहां पर कुछ प्राइस ऊपर नीचे होने के बाद, कैंडल ऊपर नीचे होने के बाद आपको जो है एक प्रॉपर चैनल यहां से मिलना चालू हुआ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, यहां पर जब कैंडल का, जब यहां पर ब्रेकआउट होता है, जब कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो आपका देखिए फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो फर्स्ट टारगेट देखिए, मैं यहां पर देखिए, हम यहां पर दो तरह से अपने टारगेट बुक कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हम यहां पर बुक कर सकते हैं जहां से हमारा जो फर्स्ट हमने ऊपर का जो है ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, और फाइनल टारगेट हम यहां पर बुक करते हैं। देखिए, ये सब चीजें मार्केट में बहुत कम ही लोगों को पता होंगी, जिनको पता होंगी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहां से निकालते होंगे। तो यहां पर आप फर्स्ट प्रॉफिट जो है, आपने जो एक समझ लीजिए आपकी यहां पर एक छोटी ट्रेंड लाइन हो जाती है और यहां पर आपकी एक बड़ी ट्रेंड लाइन हो जाती है,
तो आप फर्स्ट टारगेट अपना यहां बुक कर सकते हैं, सेकंड टारगेट यहां पर बुक कर सकते हैं। देखिए दूसरे केस में क्या होता है, जो थर्ड टाइप जो बनेगा वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट बनेगा। मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है, ठीक है, अब रिट्रेसमेंट लेने के लिए मार्केट जो है यहां से ऊपर की तरफ गई, ओके, और जो चैनल जो बन रहा है यहां पर देखिए ऑपोजिट हो गया, इस तरह से बन रहा है। बिकॉज यहां पर मार्केट ने कुछ ऐसे कैंडल बना दिए, यहां पर कुछ ऐसे कैंडल बना दिए जहां पर ये चैनल कंटिन्यू फॉर्म करना जो है इम्पॉसिबल था। सो हमने यहां पर इस तरह से कंटिन्यू अपना जो है चैनल को हमने कंटिन्यू रखा, और यहां पर जब ब्रेकआउट होगा, देखिए यहां पर जब ब्रेकआउट होगा इस कैंडल, यहां पर कैंडल का कोई ब्रेकआउट होगा तो फर्स्ट टारगेट देखिए सेम इस तरह से ही हमको यहां पर बुक कर लेना है पहला टारगेट, ठीक है, और जो हमारा जो फाइनल टारगेट जो होने वाला है वो फाइनल टारगेट हमारा यहां पर नीचे की तरफ ये हो जाएगा, ओके। तो मैं ये चीजें अभी आपको जो है प्रैक्टिकली मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। देखिए लोगों को तो ज्यादातर पता है जो कंटिन्यू एक पैरेलल लाइन चली आती है, दोनों ट्रेंड लाइन सेम होती है, बिल्कुल बराबर साइज की होती है, लोगों को ज्यादातर मार्केट में वो चीजें पता है। देखिए अब जो है टेक्निकल एनालिसिस काफी कुछ चेंज हो चुका है, मार्केट में बहुत चीजें नई आ चुकी हैं। देखिए जो चीज आपको पता है वो चीजें सबको पता है। सो यहां पर मार्केट में जो अब नवी नवी चीजें आ रही हैं, नवी स्ट्रेटजीज आ रही हैं, नवी जो है लोग चीज फॉलो कर रहे हैं, जो मार्केट में नवी चीजें अब काम करती हैं, अब उस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको जो है जमाने के साथ चलना पड़ेगा। जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही है वैसे वैसे आपको चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप वही पुराने पैटर्न में फंसे रहेंगे तो आप जो है यहां से पैसे नहीं बना पाएंगे। सो यहां पर जो है अब ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक्स वगैरह जो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, तो मतलब बहुत कम लोग इन सब मार्केट में ये सब चीजें मालूम होंगी और ये सब चीजें ट्रेड करते होंगे। सो अभी मैं आपको चार्ट में लेकर चलूंगा और चार्ट में दिखाऊंगा कि आपको जो है किस तरह से ट्रेड करना है यहां पर। तो मैं यहां पर जो है देखिए फर्स्ट आपको पहले तो मैं आपको जो पैरेलल लाइंस ही बता दूंगा कि पैरेलल लाइंस में मतलब किस जो है स्टॉक वगैरह हम बने थे। तो मैं यहां पर अभी देखिए निफ्टी का चार्ट खोलने जा रहा हूं, देखिए इंडेक्स में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी मैं इसको पीछे करूंगा, मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब यहां पर आप देखिए यहां मैंने अभी जो है निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, आप अगर पीछे देखेंगे तो पीछे एक जो है पीछे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, यहां पर आप देखिए नीचे की तरफ आया है प्राइस, और यहां पर जो है प्राइस ने अब ऊपर की तरफ जो है मूव किया है, मतलब आप कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट हो रही है या एक पुल बैक है, ओके। तो इस तरह से देखिए हमने अपना चैनल ड्रॉ करना होता है, चैनल जो आपने ड्रॉ करना है ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो है प्राइस का गैप कुछ और हो और यहां पर कुछ और हो, अगर वो बिल्कुल पैरेलल लाइंस है तो वो आप जो है उसको असेंडिंग चैनल चार्ट पैटर्न कह सकते हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। अभी यहां पर देखिए मार्केट जो है यहां पर एक हायर लो यहां पर बनाया है मार्केट ने, और यहां पर देखिए हायर हाई, हायर हाई के बाद फिर यहां पर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मींस आपने हायर लो को पकड़ते हुए एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और एक हायर हाई को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पर देखिए इस चैनल के बीच में एक स्विंग हाई आपको यहां पर मिला हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं, मीन्स 12,270 के नियर अबाउट, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर भी आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर पुट कर सकते हैं, बट यहां पर जो थंब रूल जो है वो आपको थंब रूल ये कहता है कि आप स्टॉप लॉस इस चैनल के ऊपर जो है जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। सो आप देखिए यहां पर एक स्विंग हाई तो है, तो यहां पर आप अगर छोटा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहां पर रख लीजिए स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम, ओके। और एंट्री आपकी देखिए यहां पर होने वाली है, यहां पर जब चैनल ने ब्रेकआउट किया है तो यहां पर आपकी एंट्री हो गई, और जो आपका टारगेट रहने वाला है, टारगेट देखिए जैसा मैंने आपको बताया था जहां से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करी है, ओके, तो यहां से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करी थी, तो यहां पर आप देखिए यहां पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करी थी। अब यहां पर देखिए यहां पर टारगेट देखिए कितनी आसानी से, कितना सिंपली हमारा यहां पर टारगेट यहां पर अचीव हुआ है। देखिए चीजों को आप जितना सिंपल रखेंगे, जितना मतलब आसानी से उसको करने की कोशिश करेंगे, अपने चार्ट को क्लीन, नेट एंड क्लीन रखेंगे, उतने ही मतलब आप अच्छे पैसे यहां पर बना पाएंगे। जितना आप चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, अपने एनालिसिस को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, पैसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यहां पर देखिए हमारा यहां पर स्टॉप लॉस था, अगर मैं इसको इस तरह से आगे एक्सटेंड कर लूं तो हमारा स्टॉप लॉस भी यहां पर हिट नहीं हुआ है, जिसको कि मतलब हमने अपने एक स्विंग हाई पर रखा था, बट स्टॉप लॉस यहां पर रखिए तो आप जो है 90% यहां पर सेफ होते हैं, बहुत कम ही देयर चांस होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सके, बट यहां पर जो है 50-50 होता है, यहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। आपको मैं दूसरा इंडेक्स दिखा देता हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी जो है ये पैटर्न बना था,
मैं बैंक निफ्टी का चार्ट यहां पर खोल लेता हूं। बैंक निफ्टी का मैंने इंडेक्स यहां पर खोल लिया है, तो अभी यहां पर मैं आपको पीछे की तरफ करके लेके जाऊंगा, क्योंकि ये देखिए काफी दिनों से कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में भी यहां पर एक पैरेलल पैटर्न इस तरह से बना था, ये देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ करके यहां रखा हुआ है। अब यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सॉरी, मैं इसको पहले यहां देखिए चार्ट में थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आप लोगों को दिखाई देगा। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हम हायर हाई को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ हमने ये जो है ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, और हायर लो को पकड़ते हुए हमने नीचे की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी हमारे पास यहां पर भी स्विंग हाई के यहां पर स्विंग हाई है इस चैनल के बीच में। देखिए ये जो चैनल स्विंग हाई जहां पर आपने स्टॉप लॉस रखना है, वो स्विंग हाई एक चैनल के बीच में होना चाहिए, जहां पर आप रिस्क लेने जा रहे हैं, जहां पर अपना आप स्टॉप लॉस रखने जा रहे हैं। तो आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, आपकी यहां पर एंट्री होगी, समझ लीजिए यहां पर ब्रेकआउट, चाहे आपकी एंट्री यहां पर भी हो सकती थी, यहां भी आप एंट्री रख लीजिए, स्टॉप लॉस आपका यही हो जाता। और मान लीजिए आपने यहां पर एंट्री ली है, ओके ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट देखिए, हमारा टारगेट यही होगा जहां से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करी थी। तो यहां पर देखिए हमारा जो है टारगेट बहुत इजीली हमारा अचीव हुआ है। नेक्स्ट, अब मैं आपको स्टॉक में लेकर चलता हूं और स्टॉक में आपको दिखाता हूं कि एक्साइड में जो है ये पैटर्न बना था, एक्साइड में देखिए बहुत अच्छा पैटर्न बना था, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो इसको समझिएगा। ये पैटर्न देखिए बहुत अच्छे से काम करते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना सीख जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब ये पैटर्न हमारा आ चुका है, ये देखिए चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं क्योंकि ये पैटर्न जो है काफी एक लंबा बना हुआ था। ये भी देखिए कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में काम कर रहा था, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक ये पुल बैक था। तो ये पुल बैक देखिए, हमने यहां पर दो हायर हाई पकड़े, दो हायर हाई पकड़ने के बाद इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। देखिए ये जो यहां पर हल्का सा टच नहीं हुआ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल टच होना ही जरूरी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा। और यहां पर भी नीचे भी देखिए हमने क्या किया, हमको यहां पर दो देखिए हायर लो मिले, ओके। तो हायर लो को हमने इस तरह से एक्सटेंड करते हुए ये देखिए हमने अब तीसरे को टच किया, यहां पर तीसरे को टच किया, और यहां पर फोर्थ जो है वो यहां पर टच हो गया। अब यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर स्विंग हाई यहां पर है। अगर अभी मैं चार्ट को जो है बड़ा करने जा रहा हूं, तो हमारे पास देखिए इस चैनल के अंदर यहां पर स्विंग हाई है हमारे पास। तो हम अब देखिए, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, अभी एंट्री तो हमारी यहां पर हो चुकी है, ओके। ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गया नीचे की तरफ, जहां पर ब्रेकआउट हुआ है ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ओके। और ये जो स्विंग हाई लगा हुआ है यहां पर देखिए, कई बार क्या होता है कि ये जो चैनल का जो गैप होता है, ये गैप काफी बड़ा होता है, ओके। मींस अगर हम यहीं पर बात करें, एक साइड की बात करें, तो यहां पर इसका हाई जो है 305 रुपीज का है, और इस नीचे ट्रेंड लाइन का जो लो है वो है नियर अबाउट 270 का। तो यहां पर 35 पॉइंट का हमारा SL है, 35 पॉइंट का SL एक 250-250 रुपए के स्टॉक में आप सोच लीजिए कितना परसेंट हो जाता है। आपने ये सब चीजें भी जो है मतलब अपने सेटअप में जरूर ध्यान रखनी है कि हमने 3500 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है और 270 रुपए का स्टॉक है, 250 रुपए का स्टॉक है, तो हमारा स्टॉप लॉस देख लीजिए कितना ज्यादा कितना बड़ा हो जाता है, ये मोर देन 15% हो जाता है। तो हमने इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। सो आप जो है यहां पर जो चैनल के इन बिटवीन इसके अंदर जो स्विंग हाई लगा हुआ है, आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखिए। यहां पर आपकी एंट्री हुई, और देखिए अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा, हम इसको यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा जो है चैनल हमने यहां से स्टार्ट करा था, ओके। तो अभी हम इसको चार्ट को आगे की तरफ लेकर चलते हैं और देखते हैं हमारा टारगेट यहां पर देखिए अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर ये देखिए ये जो लो लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है 195 का, तो एग्जैक्टली जो है हमारा टारगेट जो है 196 का है, और ये जो लो लगा हुआ है वो 193 का है। तो हमारे टारगेट से 2-3 रुपए और नीचे मतलब प्राइस ने मूवमेंट करी थी। अब यहां पर आप देखिए कि आपकी एंट्री जो होती है वो 270 पर होती है, और आपको यहां पर जो टारगेट मिल रहा है वो 196 का मिल रहा है। तो अभी आप देखिए 72-74 रुपीज
यहां पर अगर आप यहां पर ₹35 का स्टॉप लॉस लेते भी हैं तो आपको ₹74 का आपका यहां पर टारगेट है। अगर आपने यहां पर स्टॉप लॉस लिया 272, यहां पर क्या है 280, आपने यहां पर ₹10 का स्टॉप लॉस लिया और आपने यहां पर जो है ₹74 का टारगेट लिया, मतलब 1:7, यहां पर आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा था। सो मैंने आपको इसलिए बताया कि प्रोफेशनल जो ट्रेडर हैं वो ज्यादातर इन चैनल वगैरह को फॉलो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बिकॉज यहां पर स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और टारगेट बहुत बड़े होते हैं। बहुत मीन्स 1:2, 1:3 को हम एक बहुत अच्छा टारगेट कह सकते हैं, बट आपने अभी यहां पर देखा 1:7 का टारगेट आपके सामने यहां पर मैंने आपको दिखाया। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये देखिए, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है और इस स्टॉक में ये जो चैनल की मैं बात कर रहा हूं, ये चैनल बहुत ही बाखूबी काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। सो मतलब ये मेरा फेवरेट, एक मैं आपको बताऊं कि ये मेरा भी फेवरेट पैटर्न है। यहां पर देखिए जिस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ब्लैक स्क्रीन पर आपको मैंने पैटर्न दिखाए थे, तीन तरह के पैटर्न, ओके ये जो चैनल में आपको मैंने थ्री टाइप्स बताए थे, तो अभी वो सेकंड टाइप आपके सामने यहां पर मैं पेश करने वाला हूं। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर की जो हमने जो हायर हाई हमारा है, जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करनी है, वो लाइन लंबी हो सकती है और जो नीचे वाली जो है, जो हमने हायर लो हमने टच किए हुए हैं, वो लाइन छोटी हो सकती है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको ब्लैक स्क्रीन पर आपको मैंने समझाया था। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी हमको यहां पर देखिए स्विंग हाई हमको इसके अंदर मिला हुआ है। स्विंग हाई देखिए यहां पर चैनल के अंदर, देखिए जो चैनल के अंदर मिनिमम जो है आपका 30% प्लस होना चाहिए। ये जो हाई है, ये जो मैं आपको 30% समझा देता हूं, मैं क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो गैप है, मान लीजिए ये गैप अगर ₹100 का है, ये गैप ये ₹100 का है, तो ये जो स्विंग है ये मिनिमम 30-40 के बीच में होना चाहिए। तो मतलब यहां से 30-40 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप यहां से अपना स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो ये हाई कम से कम 30-40 रुपए ऊपर हो। ओके अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि अगर ये ₹100 का गैप है, मान लीजिए इस चैनल का जो गैप है, ये अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन का जो गैप ₹100 का है, और यहां पर जो स्विंग हाई यहां पर लगा हुआ है, तो यहां पर मान लीजिए ये है ₹60 का, या फिर यहां पर ₹60 का ये स्विंग हाई है, तो हम उसको जो है कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज 40% 30-40% मतलब यहां से हाई होना चाहिए, तब आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। अगर वो हाई यहां पर एक बहुत छोटा सा स्विंग हाई, तो उसको जो है आप स्टॉप लॉस मत रखिए, वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ओके तो अब यहां पर देखिए कितना सिंपली, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अपना काम करिए, सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करिए, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड ही हो, चाहे वो आप इन्वेस्टिंग के पर्पज से जा रहे हैं, बहुत इजिली आप यहां पर पैसा बना सकते हैं अगर आप सिंपल चीजें फॉलो करते हैं। अब यहां पर देखिए हमने स्टॉप लॉस हमारा यहां पर स्विंग हाई यहां पर देखिए 50% है, तो मतलब 30-40% प्लस होना चाहिए, ये चीज आपने जरूर ध्यान रखना है अगर आप जो है चैनल के बीच में अपना स्टॉप लॉस रखने जा रहे हैं। तो ये मोर देन 50% है, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। यहां पर देखिए इस कैंडल के पास हमारी एंट्री हो गई। ओके और स्टॉप लॉस जैसा मैंने आपको बताया था, मैं अभी आपको वो चीज भी समझाऊंगा। तो देखिए यहां पर हमारी एंट्री हुई ₹1488 पर, स्टॉक ने जो है लो लगाया ₹1408 का, मींस ₹80 जो है डाउन आया। ₹80 डाउन आने के बाद फिर इसने जो हाई लगाया वो ₹1510 का, तो यहां पर ₹1488 हमारी एंट्री हुई है और इसने ₹1510 का हाई लगाया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो यहां पर पैनिक हो जाते हैं। सो आपको यहां पर पैनिक नहीं होना है, आपको अपने ट्रेड पर जो है बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आपका आपने ये जो चैनल बहुत सही तरीके से ड्रॉ करके रखा हुआ है और आपकी एंट्री सही है और आपको अपने ट्रेड पर विश्वास है, तो आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है। ₹1488 से अगर ये ₹1510 चला भी गया, तो अगर ₹22 ऊपर चले भी गया, तो आपको यहां पर जो है पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। आपका ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर डर के स्टॉप लॉस काट दिया, आपका जहां स्टॉप लॉस है आपको स्टॉप लॉस वहां से हिलाना नहीं है। ओके जब तक आप यहां पर फर्स्ट टारगेट यहां पर बुक नहीं कर लेते। अब यहां पर देखिए इस सिचुएशन में जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टारगेट कैसे बुक करना है, यहां पर देखिए जो लोअर वाला हमारा जो ट्रेंड लाइन है, जो नीचे की तरफ जो हमने हायर लो को टच करते हुए जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो इस ट्रेंड लाइन पर हमारा यहां पर फर्स्ट टारगेट यहां पर बुक हमने कर लेना है। ओके यहां पर हमने अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लिया है। ओके अब यहां पर देखिए, सो मेरे हिसाब से ये दोनों ट्रेंड लाइन है वो सेम ही एरिया में है।
ये देखिए, तो यहां पर बिल्कुल सेम एरिया में जो नीचे से हमने ट्रेंड लाइन जो पकड़ी थी वो भी सेम एरिया में है, और जो ऊपर की जो हमने ट्रेंड लाइन जो हायर हाई को टच करते हुए ड्रॉ करी थी वो भी सेम एरिया में है। तो वो एरिया आता है 1300 रुपए का, तो यहां पर 1300 रुपए का टारगेट अचीव हो गया है। अब यहां पर आप देखिए, मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूं कि ये जो है प्रोफेशनल का जो है फेवरेट पैटर्न होता है। यहां पर आप देखिए 1488 रुपए का, 1490 रुपए की आपकी एंट्री है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1530 रुपए का है, तो आपका 40 रुपीज का आपका यहां पर टोटल लॉस है। यहां पर अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो 40 रुपए का, 40 रुपीज का आपका यहां पर लॉस है गंवाने के लिए, मींस लूज करने के लिए। और टारगेट अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 1490 रुपए से 1300 रुपए, 190 रुपए का आपको यहां पर टारगेट है। तो 4 चौके 16, 4:1:5 के नियर अबाउट आपको यहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका आता है। तो यहां पर देखिए सबसे मैंडेटरी क्या चीज है, आपका पैटर्न बहुत अच्छे से ड्रॉ किया होना चाहिए, पैटर्न में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करनी आ गई तो आप जो है बिल्कुल इजिली यहां से पैसा बना सकते हैं, अगर आप अपने डिसिप्लिन अपने रूल को जो है प्रॉपर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक और स्टॉक दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाता हूं हीरो का, नहीं मैं मुथूट का मैं आपको पहले दिखा। अच्छा इसकी मैं पहले बात कर लूं, जो अभी हम ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट की, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में अभी भी जो है एक चैनल बन रहा है। ये देखिए मैं अभी ये करंट सिचुएशन आपको दिखा रहा हूं, यहां पर अभी भी एक, ये देखिए अगर आप देखेंगे तो असेंडिंग, क्योंकि देखिए जैसा मैंने आपको बताया मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, यहां पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के बाद यहां पर एक छोटा सा यहां पर पुल बैक आया है, और ये पुल बैक जो आया है वो असेंडिंग चैनल चार्ट पैटर्न के रूप में आया है। तो यहां पर हमने क्या किया है, अपने हायर हाई पकड़ते हुए ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, लोअर हायर लो पकड़ते हुए नीचे की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अभी यहां पर देखिए हमारी यहां पर एंट्री हुई नहीं है, बिकॉज इस यहां पर आके मार्केट जो है सस्टेन कर रही है इस लेवल पर। ये देखिए अगर आप यहां पर देख, आपको दिख रहा हो सही से, तो ये जो लेवल है ये 685 का है। अब 685 को जब ये ब्रेक करता है तब हमारी यहां पर एंट्री होने वाली है। और यहां पर देखिए इस, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, और यहां पर ऐसे सिचुएशन में कभी भी अगर रेक्टेंगल पैटर्न बनते हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न ले लीजिए आप, चाहे वो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न ले लीजिए, इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न ले लीजिए, हेड एंड शोल्डर ले लीजिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ले लीजिए, या फिर आप इस चैनल को ही ले लीजिए, असेंडिंग चैनल को ले लीजिए, डिसेंडिंग चैनल को ले लीजिए, अगर कहीं पर आपको इस तरह का चैनल दिखाई देता है, रेक्टेंगल चैनल आपको, रेक्टेंगल पैटर्न आपको दिखाई देता है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन होता है, बिकॉज यहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है। यहां पर स्टॉप लॉस आपका देखिए ये जो गैप है इस गैप के ऊपर होता है स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस 685 और ऊपर का जो है वो 710, तो यहां पर आपका सिर्फ 25 रुपीज का स्टॉप लॉस यहां पर होने वाला है। तो 25 हम 30 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 30 का स्टॉप लॉस होने वाला है, और टारगेट अगर आप देखें तो यहां पर 5330, तो 530 रुपए का यहां पर हमारा जो है टारगेट होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं 150 रुपए का टारगेट नियर अबाउट, देखिए 150 160, तो यहां पर भी अगर हम देखें 1:5 का हमारा यहां पर जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो रहने वाला है। ये तो अभी चलो अभी फ्यूचर की बात है, अभी ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है या नहीं करता है, कहीं ऐसा ना हो ये दोबारा जाके इस चैनल के बीच में फंस जाए, ये आगे हम देखेंगे। सो इस जो है स्क्रिप्ट को अपने फोकस में रखिएगा, अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा, ये आपको जो है लर्निंग पर्पज के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। इसको देखिए किस तरह से ये जो है चैनल काम करते हैं। आगे मैं आपको एक स्टॉक और दिखा देता हूं, मुथूट फाइनेंस में ये जो है पैटर्न, आप मुथूट फाइनेंस में भी ये शायद ये पैटर्न, हाँ ओके, मुथूट फाइनेंस में ये पैटर्न जब बनते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर। देखिए दो चार ऐसे स्टॉक हैं जहां पर कुछ पैटर्न अगर बनते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पर मुथूट फाइनेंस का पहले चार्ट खोल लेता हूं, तो मुथूट फाइनेंस में आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इसको पहले पीछे की तरफ करता हूं, पीछे ये पैटर्न बना था। देखिए ये चैनल पैटर्न जो है इसके, ये रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए ही माना जाता है, लोग इसको इसलिए लाइक करते हैं बिकॉज यहां पर जाने के लिए बहुत कम होता है और आने के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी रकम होती है। सो आपको क्या करना है, आपको जो है चैनल जो है बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आप अच्छे तरीके से चैनल ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमाने वाले हैं। अब देखिए, अब ये दूसरा पैटर्न आ गया, ये टाइप थ्री आ गया, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी ये टाइप थ्री है। ओके, कि यहां पर ऊपर का जो है,
ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, जो हायर हाई हमने पकड़ के जो ड्रॉ करी है ये छोटी है, और जो नीचे की ट्रेंड लाइन है जो हमने लोअर हाई पकड़ते हुए ड्रॉ करी है ये ट्रेंड लाइन लंबी है। देखिए मेरी वीडियो देखिए अक्सर लंबी हो जाया करती है, बिकॉज जो है मतलब मैं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझा के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो देखिए मेरी वीडियो लंबी होती है क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया करता हूँ। सो प्लीज वीडियो स्किप मत करके देखा करिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो यहां पर देखिए अब क्या है, अब यहां पर देखिए एक स्विंग हाई हमको मिल रहा है, बट ये जो स्विंग हाई हमको यहां पर दिख रहा है ये स्विंग हाई नॉट मोर देन 30% से ज्यादा नहीं दिख रहा है हमको। सो हम यहां पर इसके ऊपर जो दूसरा स्विंग हाई हमको यहां पर दिख रहा है, ये यहां पर एक स्विंग हाई दिख रहा है, ये देखिए पीछे की तरफ यहां जो स्विंग हाई बना है, हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस यहां पर होने वाला है, और यहां पर हमारा टारगेट सॉरी यहां पर हमारा एंट्री तो हमारी यहीं पर होगी जहां पर ब्रेकआउट हुआ है, यहां पर हमारी एंट्री हो चुकी है, ये देखिए ये हमारी एंट्री है। और टारगेट यहां पर मेन जो है मायने मेन मुद्दा यहां पर टारगेट का है, तो मैं आपको मुद्दे पर लेके चलता हूं। तो यहां पर देखिए जो छोटी वाली ट्रेंड लाइन थी, तो छोटी वाली ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली थी, तो यहां पर देखिए यहां पर तो हमारी एंट्री ही नहीं हुई थी। ओके यहां पर हमारी एंट्री ही नहीं हुई थी। मान लीजिए अगर ये ट्रेंड लाइन लंबी होती और ये ट्रेंड लाइन यहां तक होती, इस ट्रेंड लाइन को मैं अगर ड्रॉ करके यहां तक लेके आने की कोशिश करूं, तब जाकर हमारा यहां पर पहला टारगेट बुक होता, यहां पहला टारगेट बुक होता और दूसरा टारगेट यहां बुक होता। बट यहां पर जो है ट्रेंड लाइन हमारी यहां पर छोटी है, सो हमारा एंट्री पॉइंट से पहले ही ये जो है ट्रेंड लाइन बनी हुई है, सो हम इसको जो है इतना कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहां पर टारगेट देखिए, हमारा टारगेट यहां पर निकल के आ रहा है, मैं चार्ट को थोड़ा सा और आगे करता हूं, ये देखिए यहां पर हमारा टारगेट आ रहा है। सो यहां पर आप देख सकते हैं टारगेट हमारा जो है अचीव होते ही मार्केट ने यहां पर कितना अच्छा बाउंस बैक कर लिया है। सो देखिए आप जो है चार्ट पैटर्न को बहुत अच्छे से मतलब इसको टैली करिए, इसको सीखिए। दूसरा मैं देखिए एक यहां पर चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर अगर आप यहां पर इसको सिर्फ ऐसा देख रहे हैं कि असेंडिंग चैनल जो है मतलब सिर्फ नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो यहां पर मतलब हम यहां पर कुछ गलती कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर ये चार्ट पैटर्न समटाइम्स ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, अभी हीरो मोटो का मैं आपको चार्ट दिखाने जा रहा हूं, ये करंट चार्ट है जो मतलब अभी प्रेजेंट टाइम का चार्ट है। तो ये देखिए यहां पर जो है ये चार्ट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। यहां पर चार्ट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया हुआ है, तो मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा था। यहां पर देखिए 100 में से 80 टाइम्स तो जो है पैटर्न ये नीचे की तरफ ही ब्रेक करते हैं, बिकॉज अगर हम यहां पर भी देखें तो एक कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड है। इस कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जो है यहां पर एक पुल बैक है, पुल बैक में ये चैनल फॉर्म हुआ है। तो इस चैनल फॉर्म होने के बाद देखिए आपने नीचे की तरफ जो एंट्री लेनी है वो मल्टी कन्फर्मेशन के बाद ही लेनी है, ये जो नीचे का जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट के बाद ही लेनी है। एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, क्लोज होने के बाद उसके बाद प्राइस अगर उस कैंडल को क्रॉस करता है, देखिए मैं आपको करके बता देता हूं, कोई बात नहीं, यहां पर 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए जो मेरा मेन मोटिव है। तो यहां पर देखिए मान लीजिए इस तरह से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, अब हम यहां पर प्राइस देख रहे हैं 2283। अब जब नेक्स्ट कैंडल इसको क्रॉस करेगी, नेक्स्ट कैंडल मींस अगर नेक्स्ट कैंडल इस तरह से इसको क्रॉस कर रही है, तो जब ये कैंडल क्रॉस करेगी तब हमारी यहां पर एंट्री होगी, तब हम मान लीजिए 2283 रुपये यहां पर इसका जो लो लगा हुआ है 2283 का लगा हुआ है, तो हम 2280 पर जो है यहां पर अपनी एंट्री हम यहां पर ले लेंगे। और जो है स्टॉप लॉस देखिए इसके अंदर देखिए कोई ऐसा स्विंग हाई नहीं बना हुआ है। अगर स्विंग हाई बना होता और वो मोर देन 40% से ऊपर होता तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस होता, अदरवाइज स्टॉप लॉस जो है जो थंब रूल हमारा क्या कहता है, वो हमारा थंब रूल ये है कि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हमारा क्या होता अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता, तब मैं इस सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, ऐसा ना हो कि कल को जाकर आप इसको यहां पर सेल कर दीजिए। बिकॉज यहां पर मैंने आपको ये दिखाने के लिए हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट दिखाया है कि देखिए ये ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट होते हैं। ये ब्रेकआउट कुछ बहुत कम केसों में मतलब 15-20% केसों में ये जो है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो जाते हैं,
और एक चीज और गौर करिएगा कि जब ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होते हैं तो इनकी मूवमेंट काफी अच्छी होती है, बिकॉज ये एक दूसरे चार्ट पैटर्न में आ जाते हैं। वो चार्ट पैटर्न में आपको आगे आने वाली सीरीज में बताने वाला हूं। देखिए यहां पर कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न हैं जो आपको शायद यूट्यूब पर ना मिले या फिर आपको शायद किसी ने ना बताए हो, तो मैं आपको जो है चार्ट पैटर्न की टोटल सीरीज आपको यहां पर दूंगा। बस आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। बहुत अच्छे अच्छे चार्ट पैटर्न आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेके आने वाला हूं। अभी तो फिलहाल 15-16 चार्ट पैटर्न आप लोगों के लिए मैंने यहां पर बनाकर दिए हैं, अभी नियर अबाउट 10 से 12 चार्ट पैटर्न आप लोगों के लिए मैं और लेकर आऊंगा जो बहुत नॉलेजेबल होंगे और आपको आने वाले टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज जो है मतलब इन पैटर्न को जो है सीखिए, देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेरी है, तो आप जो है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी जो है क्वेरी दूर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहां पर ऑलरेडी 65,000 से ज्यादा लोग वहां पर हमारे साथ ऐड हैं। वहां पर मैं इस तरह के चार्ट पैटर्न वहां पर मैं शेयर करते रहता हूं और इंट्राडे की कॉल्स वगैरह कुछ वहां शेयर करता हूं या कुछ और मतलब काफी नॉलेजेबल चीजें वहां पर शेयर करता हूं। आप वहां पर जाइए, देखिए, चैनल अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन करिए। दूसरा, अगर आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके अलाइस ब्लू में अकाउंट खोलिए, आपको जो है हमारे सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहां पर आपको डेली बेस पर कॉल मिलती है, चार्ट पैटर्न सीखने को मिलते हैं, काफी कुछ मिलता है। सो दोस्तों, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपकी मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके मोटिवेट जरूर करिएगा। थैंक यू।